नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी एंड टारगेट में। आज के एडवांस एक्सेल के क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल में व्यवहार किए जाने वाले कुछ फॉर्मूलाज के बारे में। देखिए, अगर आप एक्सेल को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि स्टार्टिंग में आप कुछ फॉर्मूला सीख लें, ताकि आगे चलकर काम करने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसा ही फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के एक्सेल में कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको इफ से जुड़ा हुआ एक फॉर्मूला बतलाऊंगा और आप देखिएगा कि कैसे इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम अपने काम को आसान बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आप देख सकते हैं फॉर्मूला का इस्तेमाल करने के लिए मैंने आपके लिए पहले से ही एक टेबल बना के रखा है। इस टेबल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ लोगों का नाम और सब्जेक्ट का नाम लिख रखा है कि किसे किस सब्जेक्ट में कितना नंबर मिला। तो चलिए सबसे पहले आपको सिखलाते हैं सम फॉर्मूला के बारे में। देखिए, सम फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि रवि को हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ में टोटल कितना नंबर मिला। तो टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जहां आपको टोटल चाहिए वहां तक सिलेक्ट करते हुए चले जाइए। मुझे यहां तक टोटल चाहिए, यहां पर मैं यहां तक आ गया। इसके बाद आप यहां ऊपर में देख सकते हैं एक बटन दिया हुआ है, इस बटन का नाम है सिग्मा। आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर टोटल निकल कर आ चुका है कि रवि का टोटल है 402। इसी तरह से अगर आपको सबका टोटल निकालना है तो सबका टोटल निकालने के लिए ये जरूरी नहीं कि बार बार आपको ऐसे सिलेक्ट करना होगा। केवल आपने जो 402 टोटल निकाला इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको देखिए एक ब्लैक बटन दिखाई दे रहा है। जैसे इस ब्लैक बटन के ऊपर आप जाते हैं, आप देख सकते हैं कि मेरे कर्सर में अभी प्लस का साइन व्हाइट कलर का है, लेकिन मैं यहाँ जैसे ही जाता हूँ मेरा कर्सर का जो प्लस साइन है वो ब्लैक कलर का हो गया। जब ये ब्लैक हो जाए उसी वक्त आपको क्या करना है, इसको क्लिक करके नीचे की तरफ डालना है। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर सभी का टोटल निकल चुका है। इसी तरह से अगर आप जानना चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट को टोटल मिलाकर उनका हिंदी का नंबर कितना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको फिर से इस तरह से वर्टिकली सिलेक्ट करना है। जहाँ तक टोटल चाहिए वहाँ तक, देखिए मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया और फिर से आपको इसी बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं ये देखिए सारे स्टूडेंट का टोटल हिंदी का मार्क्स कितना है वो यहाँ पर आ चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि टोटल यहाँ ना निकाल कर किसी और सेल में निकालना पड़े, तो उस वक्त आपके लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन ये एकदम आसान है। जहाँ भी आपको रवि कुमार का टोटल निकालना है, जैसे मान लीजिए कि रवि कुमार जो है, ये रवि कुमार का जो भी टोटल हो रहा मुझे यहाँ निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने कीबोर्ड से इक्वल टू का साइन देना है और यहाँ पर टाइप करना है SUM सम फॉर्मूला। और सम टाइप करने के बाद अपने कीबोर्ड से जो है स्मॉल ब्रैकेट को लीजिए। स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करने के बाद में यहाँ से पूरा ये सेल जो है जहाँ तक आपको टोटल चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को बंद करिए स्मॉल ब्रैकेट को और अपने कीबोर्ड से इंटर दबाइए। ये देखिए रवि कुमार का टोटल यहाँ पर निकल चुका है। अब देखिए मैं यहाँ पर इसके टोटल को निकाल देता हूँ ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। मैंने सभी का टोटल निकाल लिया। इसी तरह से अब आपको जानना है कि रवि कुमार को आखिर कितना परसेंटेज मार्क्स मिला है। यहाँ पर क्लिक करना है, जहां भी आपको परसेंटेज चाहिए वहां क्लिक करें, इक्वल टू का साइन दीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी फॉर्मूला का शुरुआत हम इक्वल टू से करते हैं और एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वही परसेंटेज निकालने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ देखिए मैंने एवरेज का स्पेलिंग टाइप कर दिया, स्मॉल ब्रैकेट लगाइए और फिर से आपको एक बार वही करना है, हिंदी से लेकर मैथ तक सिलेक्ट करते हुए आना है और ब्रैकेट क्लोज करना है और अपने कीबोर्ड से इंटर दबाना है। ये देखिए रवि कुमार का परसेंटेज निकल गया 67। बाकी सभी का परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ जाइए और इस काले बटन को पकड़ के खींच दीजिए। ये देखिए सभी का परसेंटेज निकल चुका है। इसी तरह से आप जानना चाहते हैं कि रवि कुमार को हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ किसमें सबसे ज्यादा नंबर मिला है, तो
तो मैक्सिमम नंबर जानने के लिए भी सेम प्रोसेस का हम इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू एम ए एक्स, मैक्स लिखना है, मैक्स मतलब मैक्सिमम, फिर से स्मॉल ब्रैकेट लगाइए और हिंदी से लेकर मैथ तक को सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट को क्लोज करिए, इंटर बटन दबाइए। ये देखिए पता चल गया 85 मैक्सिमम नंबर मिला, किसमें मिला आप यहाँ से देख सकते हैं हिस्ट्री में। इसी तरह से सभी का जानने के लिए इस काले बटन को पकड़ के नीचे तक टान दीजिए, ये देखिए सभी का मैक्सिमम निकल गया। इसी तरह से आप मिनिमम भी निकाल सकते हैं, मिनिमम निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला है। उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से यहाँ इक्वल टू का साइन देना है और अपने कीबोर्ड से टाइप करना है MIN और ब्रैकेट को लगाइए। ब्रैकेट लगाने के बाद फिर से हिंदी से लेकर मैथ तक सिलेक्ट करिए, ये देखिए पूरा एड्रेस आ गया। ब्रैकेट को क्लोज करिए और अपने कीबोर्ड से इंटर दबाइए, ये देखिए रवि का मिनिमम मार्क्स भी निकल गया 45। किसमें मिला है देख सकते हैं, हिंदी में ही मिला है। अब इसको यहाँ से पकड़ के खींच दीजिए, सारे स्टूडेंट का मिनिमम निकल चुका है। अब उसी तरह से आप ये जानना चाहते हैं कि रवि कुमार ने टोटल कितने सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, तो टोटल सब्जेक्ट का एग्जाम जानने के लिए आपको यहाँ पर काउंट फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। इक्वल टू का साइन दीजिए और यहाँ से कीबोर्ड से टाइप करिए काउंट, स्मॉल ब्रैकेट लगाइए और जहां से जहां तक आपको काउंट करना है बस वहां तक सिलेक्ट करिए, इंटर मारिए, ये देखिए आ गया। मैंने रवि कुमार ने टोटल 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया। इसी तरह से सभी का जानने के लिए आप इसको टान दीजिए, ये देखिए सभी का 666 आ गया। मान लीजिए किसी कारणवश किशन गोप जो है साइंस का परीक्षा नहीं दे पाया था, तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को मिटा देता हूँ। मिटाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 5 हो गया, यानी उसने 5 सब्जेक्ट का ही एग्जाम दिया है। इसी तरह से आप सभी का स्टेटस जानना चाहते हैं कि जिस स्टूडेंट को 40% मार्क्स मिला है वो पास है, लेकिन 40% से कम वाले जो है वो फेल है। तो इसको पता करने के लिए अब आपको मैं इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल दिखा रहा हूँ। देखिए इसके लिए आपको क्या करना, अपने कीबोर्ड से इक्वल टू का साइन देना है और टाइप करना है इफ। इफ टाइप करने के बाद आपको स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर लेना है। जैसे आप स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं आप देख सकते हैं लॉजिकल टेस्ट जो है ये शुरू हो चुका है। ये देखिए लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट को आपको समझना है। ये देखिए परसेंटेज का घर है, आपको यहाँ से किसी भी एक सेल पर क्लिक कर लीजिए, यहाँ एक क्रिटेरिया बनाइए। क्या क्रिटेरिया होगा, क्रिटेरिया ये होगा कि जिसका भी नंबर लेस देन का साइन, लेस देन या इक्वल टू 39, जिसका भी नंबर 39 है या 39 से कम है वो क्या हो जाएगा, कॉमा दीजिए, वो हो जाएगा देखिए वैल्यू इफ ट्रू। अगर 39 या 39 से कम है तो कंप्यूटर क्या दिखाएगा, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है कॉलन के अंदर में। ये देखिए मैंने 2 कॉलन लिया है, इसके अंदर में मैं टाइप कर देता हूँ कि जिसका भी नंबर कम रहेगा वो फेल, और फिर दोबारा कोमा दीजिए। दोबारा कोमा देने के बाद देखिए अगर वैल्यू इफ फॉल्स, अगर 39 से ज्यादा हो तो, अगर फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाएगा तो आप भी आप यहाँ पर कुछ मैसेज दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया पास्ट और डबल कोटेशन को बंद करके ब्रैकेट को बंद करके अब इंटर दबा दीजिए। जैसे आप इंटर दबाते हैं ऊपर देख सकते हैं पास लिखा हुआ आ गया है। अब इसको पकड़ के आप खींच दीजिए, कौन पास हुआ कौन फेल हुआ आप देख सकते हैं, फेल्ड है, कौन फेल हुआ चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए फेल्ड जीवन कुमार, उसके बाद ये कौन फेल्ड है गीता दास, और ये कौन फेल्ड है श्रीमान। तो इस तरह से आप इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।